कैसे आप सब आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप बिना वाईफाई टेदरिंग फीचर अगर आपके मोबाइल में नहीं है उसको बिना यूज़ किए आप कैसे वाईफाई को टेदर कर सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ, यानी वाईफाई हॉटस्पॉट एज ए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है। आपको फिर उस प्ले स्टोर पर आके आपको सर्च बॉक्स के बटन पर क्लिक करना होगा और टाइप करना होगा नेटशेयर प्रो। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने टाइप किया था नेटशेयर प्रो, इसी को आपको टाइप करना है। आपके सामने जो पहला ऐप आएगा, ये देखिए जो पहला ऐप आई यही है नेटशेयर प्रो। यहाँ पर ये है भी, यहाँ पे प्रॉपर सामने में लिखा हुआ है नो रूट नो टेदरिंग। इसके रेटिंग्स आप देख सकते हैं 4.2 रेटिंग्स है, आप देख सकते हैं इसके 4.2 रेटिंग्स है। जो भाइयों या दोस्तों को पता नहीं है ये इस ऐप के बारे में ठीक से, उनका एक काम नहीं करता है और फिर वो इस ऐप को बेकार कह देते हैं। तो ये ऐप मैंने पहले ही इंस्टॉल कर लिया। अब चलिए मैं अपने होम स्क्रीन से जाके इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। देखिए भाइयों, ये रहा वो ऐप जिसकी मैं बात कर रहा था, तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे सिंपली स्टार्ट वाईफाई हॉटस्पॉट पे क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अब उसने पासवर्ड दे दिया है और कह रहा है कि इसको मतलब ये पासवर्ड आपको जाके भरना होगा। तो देखिए भाइयों, यहाँ पे पासवर्ड दिया हुआ है कि आपको ये जाके भरना होगा और कनेक्शन इंस्ट्रक्शंस पे एरो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको एड्रेस में ये भरना होगा और पोर्ट में 8282 भरना होगा। तो मैं आपको नेक्स्ट अपने दूसरे मोबाइल में इसे कनेक्ट करके भर के दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं अपने कैमरा से आपको दूसरा अपना मोबाइल दिखाता हूँ। तो एक सेकेंड भाइयों, दूसरा मोबाइल का मैं अब कैमरा ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर अब देख सकते हैं मेरा दूसरा मोबाइल है, मैंने ऑन कर दिया था वाईफाई हॉटस्पॉट। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे आ जाना होगा वाईफाई वाले सेक्शन पे, यहाँ पे वाईफाई को ऑन कर लेना होगा। यहाँ पे अभी काफ़ी सारे नेट आएंगे, उसमें से आपको जो मैंने नेम दिखाया था, हाँ ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है डायरेक्ट TESM जो G701F, आपको इसी पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये पासवर्ड भरना होगा, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड भर देता हूँ वीडियो पॉज करके। ये देखिए भाइयों मैंने पासवर्ड भर दिया। अगर आपका पासवर्ड भरने से भी कनेक्ट ना हो तो आप उसको स्टॉप करके वापस से एक बार कर सकते हैं स्टार्ट वाईफाई हॉटस्पॉट। आपको यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए अब कनेक्टिंग लिखा आ रहा है, ये देखिए कनेक्टेड भाइयों लिखा आ गया। अब आपको क्या करना होगा, वापस से इसको क्लिक करना होगा। आपको जो ये प्रॉक्सी की ऑप्शन दिख रही है, आपको इसको सिलेक्ट करके मैनुअल पे कर देना है। अब आपको यहाँ होस्ट नेम ये सब आ गया है, आपको होस्ट नेम में वो एड्रेस भरना है जो मैंने आपको उस ऐप में दिखाया था। तो मैं ये पोस्ट नेम भी भर देता हूँ, एक सेकंड भाइयों। तो देखिए मैंने ये होस्ट नेम भर दिया है। अब आपको यह एड्रेस भी कह सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करके पोर्ट भरना होगा। पोर्ट हमको दिया हुआ था 8282। उसके बाद ये जो अगर आपके सामने ये भी आता है तो इसको बस खाली रहने देना होगा। एक सेकंड भाइयों, आपको इसको खाली रहने देना है। अब देख सकते हैं मैं वापस ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये अब आ गया है, ये मैंने भर दिया और इसको खाली रहने दिया। अब आप यहाँ ऊपर में देख सकते हैं कि वहाँ पर KBPS वाईफाई का दिखाने लग गया है। अब आपको क्या करना होगा, जैसे मैं आपको प्रूफ के लिए प्ले स्टोर पर आता हूँ। देखो भाइयों, आपको पता है कि वो नो इंटरनेट दिखा देता है। ये देखिए भाइयों, अभी नीचे तक ऐप्स आते ही जा रहे हैं। अब जैसे मैं अब आपको वाईफाई ऑफ करके दिखाता हूँ, मोबाइल डेटा भी ऑफ। जैसे मैं वापस से बैक करता हूँ, देखिए भाइयों यू आर ऑफलाइन लिख के आ गया। मैं जब वैसे वापस से वाईफाई ऑन कर दूँगा तब वो जब कनेक्ट हो जाएगा, ट्राई अगेन करता हूँ भाइयों, देखिए सब आ गया है। तो मतलब ये ट्रिक काम करती है। तो आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।